जय साईं राम। अब हम बात करेंगे 18 अक्टूबर 2020 के उपाय की। 18 अक्टूबर 2020 को रविवार का दिन है और रविवार का उपाय आपके सूर्य को उचका कर देता है, ये मैं सदैव आपको बता रहता हूँ। रविवार हमें सूर्य की एक तेज शक्ति देता है। रविवार को सूर्य का तेज तेजी से बहता है, इसीलिए कहते हैं कि रविवार को सर पर या शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सूर्य की उष्णता बड़ी होती है जिससे कि ब्लड प्रेशर हाई होने का खतरा रहता है। और जिन लोगों के सूर्य खराब होते हैं उन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है और रविवार के दिन सर दर्द भी होता है। ऐसे लोगों को 43 डेज लगातार गुड़ का दान करना चाहिए। जिन लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं कि नमक फीका लगता है, बाकियों को सब्जी भाजी में ठीक लगता है, रात को सोए हुए मुंह से पानी गिरता है, सुबह उठने पर कमर दर्द होती है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, गुड़ का दान 43 दिन लगातार करना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं सूर्य के उपाय की। तो सूर्य के उपाय में यदि आपको गेहूं मिल जाए, कनक गेहूं वीट यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना आटा ले लें और थोड़ा सा गुड़ ले लें और किसी गरीब को दान करें या धर्म स्थान में दें, या चींटियों को गुड़ पीस कर और आटे में मिलाकर डाल दें। यह बहुत प्रभावशाली उपाय है, ये एक तरह से भंडारे का उपाय है। और मैं समझता हूँ कि ये जो उपाय होते हैं आपके कर्मों को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, ग्रहों को बहुत उच्च कर देते हैं, जिससे सूर्य यदि बली हो तो नीच ग्रह दबे रहते हैं, क्योंकि सूर्य की गर्मी में सभी ग्रह अपना तेज खो देते हैं। तो हमें सूर्य को उच्च का रखना ही चाहिए, सूर्य का उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य का उपाय करते रहने से हमें बहुत तेज बल मिलता है, शक्ति मिलती है और हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य उच्च के होते हैं तो हमारा मनोबल भी बड़ा रहता है और हम तेज़ी से काम करते हैं। वैसे आपकी जन्म कुंडली में आपकी प्रत्येक समस्या का राज छिपा हुआ है, क्योंकि जन्म कुंडली में ग्रहों के साथ साथ योग भी होते हैं। कई बार क्या होता है, आपके अमीर बनने का ग्रह कुंडली में होता है परंतु दूसरे ग्रहों की नीच दृष्टि उस पर पड़ती है, जिस कारण आपको लाभ नहीं मिलता है। कई बार बहुत उच्च पद पर जाने का ग्रह होता है परंतु हम कुछ थोड़े से उच्च पद पर ही संतुष्टि कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम बहुत उच्च पद पर जा सकते हैं। आज ही मैंने एक ऐसी जन्मपत्री देखी थी, व्यक्ति IAS वगैरह बनना चाहता था, छोटी सी नौकरी पर ही संतुष्ट था। जब मैंने बताया कि तरक्की नहीं होगी तो कहता मैं तो बहुत ऊँचे पद पर हूँ। जब मैंने कहा कि आप और उच्च पद पर जा सकते हो तो खुद ही कहना शुरू हो गया कि क्या मैं IAS वगैरह बन सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता हूँ। तो ये होता है कि जन्म कुंडली में बहुत सारे ग्रह होते हैं जो हमें आगे ले जा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ विश्राम करूँगा। आपको इतना कहना चाहूँगा, जन्म कुंडली दिखानी है या कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन मत कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो आपको मिलते रहें।